और जिस दिन यूथ इस बात ने समझ लग जाएगा आगे 5 साल आए गए जब 5 साल ठीक ना काम करे तो तेरे गांव में बन पड़े तेरे कुर्ते पाड़ लेंगे। तो है हुड्डा साहब वाले नुगे हैं आज यो दैव दुष्यंत के लिए जोड़न लागे बोले दुष्यंत भी नहीं आया था इंडियन नेशनल लोकदल का वह ना परसों उसमें घड़िया भीड़ बात देखी मैंने। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव 36 बिरादरी की आवाज। कल 3 गांवों के दौरे पर रहे बलराज कुंडू जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा सरकार आपके भले में नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं कि आप एक पंचायती उम्मीदवार को चुनें और किसको चुनना है वो आप तय करें। इस मौके पर संदीप भारती भी उनके साथ दिखे। लोग तो जो हवाई दूसरी पार्टियां पिछले साल का देख लियो, जो कांग्रेस के भी थे ना, जो जेपी पर के जो एमएलए बन हुए थे, वो इन खट्टर के चम्मच मारते अंडा करते अपने काम कटवाया करते। और मैंने सरकार बनती है 2 महीने के बाद इनकी उस भरी ठोकर मार के ना आया हो तो बताओ थारे लिए मेरा कोई वो नहीं था। भाई बलराज कुंडू की उस किसान की लूट के लिए जो शुगर मिल में इस मुंशी लाल ने 5,000 करोड़ का डाका डाल रखा था उसकी आवाज उठाई थी, उसकी उठाई होगी ना 5,000 करोड़ का। और मैंने वहां पूछा था हमने रोज आए गेड़ा को करना पड़े गंडे का भाव बढ़ा दो। अरे जो जो मिल ही जो 100 करोड़ रुपया इस साल घाटे में जाएंगे, जो फैक्ट्री जिसमें थारा रॉ मेटेरियल जाएगा जिससे वो फैक्ट्री टोटल जाएगी तरह रहा मटेरियल के रेट कौन बढ़ा देगा मैंने बता देते हो। बड़ौदा चुनाव बदलेगा राजनीतिक माहौल। बलराज कुंडू ने कहा कि बड़े बड़े मंत्री भी बगावत करेंगे। हरियाणा की जनता पर जबरदस्ती इस मुख्यमंत्री को थोपा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लूट मचा रखी है। अब आने वाले समय में ये देखना है जनता किस पर भरोसा करती है, बाकी मुकाबला दिलचस्प होगा। मैंने यह तो आवाज उठाई थी, अगर मैंने न्यू आवाज उठाई थी अगर मेरे तय मंत्री ना बनाया मैं मीडिया वाले भी छापे थे मंत्री तो मैंने बनाऊ थे कोई 6 महीने पहले अरे भी कई दिनों लेकिन थे आज टेबल पर बैठने तैयार। मैं आपकी आपकी नहीं अपनी एक टीस है मेरे। सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है भाई ना मेरा हो तो आगे सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर पूरा निजीकरण होने जा रहा है। बिजली डिपार्टमेंट का पूरा मसौदा तैयार हो चुका है कभी पास होगा पूरा बिजली डिपार्टमेंट जो है बिजली में लेना थारे लट्टू जलता अच्छा नहीं लगता इन्हें प्राइवेट देंगे और थारे पर गया नौकरी करवा गए तम अपने भाइयों का जो है उनका लट मारोगे जाकर। ये बता रहा हूँ मेरी बात को याद रख लेना इस बात को ये डाल के पहलवान करेंगे कट्टे मोटे मोटे आने जो कान टूटे उड़ाने और इन ताई ठेका देंगे काम का अरे अपने चक्कर में अपने भाइयों का लट मारेंगे। मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ मेरी बात को नोट कर लेना कदे मजाक समझ जाओ। तो ये बात होने वाली है। इसी प्रकार से जितने विभाग हैं सब में पूरा हरियाणा का एक ठेकेदार बैठ जाएगा जो और थारे इंटरव्यू लेगा और थारता ही जो 8 घंटे नहीं 12-12 घंटे तुम्हारे को नौकरी करनी पड़ेगी तनख्वाह मिल जाएगी 12,000 सरकारी नौकरी की बात मत देखियो। और जिस दिन तम मड़े ही उल्टे बोले वारी गए अगले दिन थारा हाथ में चल अपने घर दूसरे ला ले देखो ना ठेकेदारी प्रथा में वो जो उनके सुपरवाइजर जो लड़िए हैं वो कह कर भी मांगे मांगे हैं ना मांगते लाख लाख रुपए 1.5-1.5 लाख रुपये प्राइवेट उसमें रिश्वत चल पड़ी क्या होगा इस देश का क्या तुम्हारा होगा इस बात की चिंता कर लेना। बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।